बरकासयाल महाप्रबंधक कार्यालय में विधायक ने जन समस्या को लेकर बरकासयाल के महाप्रबंधक से की वार्ता। जीएम अजय सिंह ने भी सारी समस्याओं पर सार्थक पहल कर समाधान का दिया आश्वासन। रामगढ़ जिले के बरकासयाल महाप्रबंधन कार्यालय में बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने कोयलांचल में पानी और कई अन्य समस्याओं को लेकर अपने प्रतिनिधि मंडल टीम के साथ जीएम से वार्ता की। इस वार्ता में अलग अलग पंचायत में हो रही समस्याओं और आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कोयलांचल के विस्थापित प्रभावितों को रोजगार से वंचित रखने को लेकर विधायक के प्यास ज्ञापन लेकर पहुंचे। इन सभी समस्याओं को विधायक ने गंभीरता से लेते हुए बरकासयाल के जीएम अजय सिंह से वार्ता के लिए कार्यालय पहुंची, जहां महाप्रबंधक ने भी सारी समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं का निवारण कर सार्थक पहल का आश्वासन दिया है। अजय सिंह ने कहा कि जहां भी पानी की समस्या है अति शीघ्र ही दूर किया जाए, साथ ही सीसीएल अधिकृत क्षेत्र में एनओसी की समस्या के भी उचित पहल की जाए। जीएम अजय सिंह ने यह भी कहा कि बरकासयाल के कर्मचारियों के लिए पीने के लिए पतरातु डैम से व्यवस्था की गई और सीसीएल द्वारा सरकार को 1,25,000 रुपए भुगतान की जाती है, लेकिन पतरातु से सौंदा बस्ती के बीच लगभग 12,000 अवैध कनेक्शन होने के कारण बरकासयाल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिस कारण आज पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके लिए सीसीएल के मजदूरों को बेहतर पानी के लिए दामोदर स्थित फिल्टर प्लांट टंकी बैठाया जाएगा ताकि सभी को पानी मिल सके। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। क्षेत्र में पानी का बहुत हाहाकार मतलब पूरा समस्या है और जीएम का मतलब सीसीएल का क्षेत्र पड़ता है और जितना भी एरिया है लगभग अभी जो मेन जो पाइप जहाँ से जाता है वो पाइप पूरा फट गया है, तो इसका वैकल्पिक क्या है। आज तो संडे था लेकिन हम फ़ोन किए तो उनको आज ही के लिए बोले कि मीटिंग इमरजेंसी है तो हम लोग आ रहे हैं। तो सभी क्षेत्र से लगभग लोगों को बुलाए हैं और सब लोग वहाँ का समस्या रखे और पानी का समस्या हम लोग कल कुछ हद तक हल करने के स्थिति में है। आज जो बात हुआ है काफ़ी सफल पहल किया गया है, हम लोग स्टेट से भी जिला से भी जो हमारे जो मतलब इंजीनियर्स हैं उनको बुला के और इनके जो सीसीएल के जो इंजीनियर हैं उनको बुला के उनका समन्वय बना के, क्योंकि इनका कहना है कि बारिश के वजह से वो पाइप नहीं लग पा रहा, तो उसको कुछ भी करके उसको पाइप को कल लगवाने का काम हम लोग करने वाले हैं। और कई ऐसी समस्या जो एनओसी से संबंधित है, जैसे हम लोग बहुत सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं छोटा छोटा जो अपने विधायक मत से, उसमें काफ़ी विलंब होता है, उसके लिए भी बात किए हैं कि अब एक दिन के अंदर इनको एनओसी देना है, तो उस पर भी इन्होंने मोहर लगाया है। और साथ में जो 75% रोज़गार का जो कानून हमारे झारखंड सरकार के द्वारा जो विधेयक हम लोग पास किए हैं उसका अनुपालन नहीं हो रहा। कंपनी बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनी आई है लेकिन यहाँ के जो जितने भी क्षेत्र हम लोग घूमते हैं लोग कहते हैं कि मतलब उनको रोज़गार का हर जगह मतलब समस्या रोज़गार का तो खैर हर जगह है, लेकिन इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। अब कह रहे हो रहा है तो हम लोग उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग एक विशेष बैठक रखेंगे और जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी है सबके साथ बैठेंगे और उनका लिस्ट देखेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग काम कर रहे हैं उनके कंपनी में, ताकि उसको ये करेंगे। और भी बहुत सारा समस्या था, जो जमींदाता है वो किसी किसी अधिकार से वंचित रहते हैं उनकी बात रखा हमने, और विस्थापित से जुड़ा हुआ समस्या और साथ में जो वर्क पे से जुड़ा हुआ समस्या बैठक था। कल सुबह तक हम बहुत हद तक ये समस्या समाधान हो जाएगा, 11-12 बजे तक इंजीनियर्स यहाँ पे दोनों हमारे जिला में हमारे विभाग के जो इंजीनियर है वो और सीसीएल के इंजीनियर साथ में बैठ के उसका हल निकालेंगे। फिर दूसरा है कि जो विस्थापित कार्ड नहीं बन रहा है वो कार्ड के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा है, उसको एक दिन बैठ के उसका वेरिफिकेशन करके सबको विस्थापित कार्ड प्रोवाइड करने का बात हुआ है। मैडम हमारे साथ आई थी और सभी ग्राम पंचायत के मुखिया और के जितने प्रतिनिधि गांव थे उनके साथ एक बैठक हुई और उसमें जो बातें हुई हैं उनके जो कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं हर पंचायत की, उसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक बातचीत किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना बन सकेगा मैनेजमेंट उसमें मदद करेगी ताकि समस्याओं का जल्दी से जल्दी निराकरण हो सके, समस्या का सॉल्व हो सके। और जो बैठक हुई बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में एक अच्छे तरीके से बैठक हुई, इसके लिए मैं विधायिका मैडम को भी धन्यवाद दूंगा और साथ साथ क्षेत्र के लोगों को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल में एक अच्छा मीटिंग करवाया। 365 दिन आपके साथ।
अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।